दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल घूमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और अब सई ने फैसला ले लिया है जो कि वो गणेश पूजन में सबको सुनाने वाली है। और वहीं विराट की धड़कनें बढ़ गई हैं कि आखिर सई ने कैसा फैसला कर लिया है। और विराट बुरी तरह से परेशान हो गया है सई को खोने के डर से। लेकिन अब पूजा में कुछ ऐसा सई करने वाली है और अपने तलाक के पेपर्स विराट को थमा देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने कॉलेज ट्रांसफर की बात भी यहाँ पर उसके सामने नहीं आई है और अब यहाँ पर तलाक के पेपर सही दिखाएगी विराट को और कह देगी कि अब ना मैं आप पर बोझ बनना चाहती हूँ ना ही इस परिवार पर, मेरी वजह से ही सब कुछ तमाशा होता है ना, तो मैं अब शांति से पढ़ना चाहती हूँ और अपने करियर में और अपने आबा का सपना पूरा करना चाहती हूँ और मैं अब बस आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रह सकती विराट सर, और आपकी जिम्मेदारी बनकर तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। और सही पूजा में ही अपने तलाक के पेपर्स विराट को देगी जिससे कि विराट के पैरों तले जमीन की जाएगी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। विराट के इस पे इन तलाक के पेपर्स को देखकर शॉक्ड रह जाने वाला है और उसके कॉलेज के ट्रांसफर के पेपर्स भी सही थमा देगी और कह देगी कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, सही अपना फैसला सुना देगी। विराट अब बुरी तरह से परेशान हो चुका है और सम्राट के सामने रोते नजर आएगा और कहेगा कि तुम उसे रोक लो, तुम उसे क्यों नहीं समझाते कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और विराट अब सम्राट से रिक्वेस्ट करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा कि तुम सही को रोको, वो ऐसा कुछ भी ना करें, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सम्राट के सामने विराट का प्यार आएगा और वही अब सई को समझाते नजर आएगा और कहेगा कि तुम यहाँ से बिल्कुल मत जाओ। लेकिन अब विराट को अपनी गलती का भी एहसास होना चाहिए, बार बार वो उसी तरह से सई को परेशान करता है, हमेशा उसे रिक्वेस्ट करता है और उसे रोक लेता है, इसीलिए सई रुकने तो नहीं वाली है। और विराट सम्राट के सामने रोते नजर आएगा और सम्राट को भी उसे समझाने की कोशिश करेगा कि अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो अब तुम्हें एक बार तो सई को अपने दिल की सुनने दो, क्योंकि वो खुद भी तो यहाँ पर रुकना चाहती थी लेकिन कितनी बार तुमने उसके साथ गलत किया है, मुझे नहीं लगता कि सही अब रुकेगी, तो तुम्हें अब उसका उसके खुद के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो सम्राट यहाँ पर सही को भी समझाते नजर आएगा कि तुम्हें एक बार एक तरीके से समझना जरूर चाहिए, लेकिन सही समझने को तैयार नहीं होने वाली और एक बार इनके बीच में दूरियां जरूर देखने को मिलेगी और उसी के बाद ही महामिलन देखने को मिलेगा।